हेलो फ्रेंड्स, प्रीति की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ पोहे के कटलेट। ये पोहे के कटलेट हम बनाएंगे, झट से तैयार हो जाएंगे हमारे पोहे के कटलेट। इसके लिए हमारे पास 2 कटोरी पोहा। अब हम इसको पानी से अच्छी तरह से इसको धोएंगे। इसको हमने 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसका पानी छान लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी ये पोहे अच्छी तरह से फूल। ये हमारे पोहे फूल के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये हमारी 2 प्याज मीडियम साइज की, ये हमारी 4 से 5 हरी मिर्च, ये 2 उबले हुए आलू हैं जिन्हें अच्छे से मैश कर लिया है, और ये हमारे पुदीना पत्ता। अब हम इन सबको इसमें डाल के एक पेस्ट तैयार करेंगे। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, अपने स्वाद के अनुसार नमक, ये हमारा लाल मिर्च पाउडर, ये हमारा 1 चम्मच चाट मसाला, ये हमारा 1 चम्मच जीरा, भुना हुआ जीरा है। अब हम इन सबको अच्छी तरह से, हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे रख देते हैं, तब तक हम इधर चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने पुदीना के पत्ते लिए हैं, ये 2 टमाटर, 5 से 6 लहसुन की कलियां, ये 6-7 हमारी हरी मिर्चें। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे ताकि हमारी चटनी ग्रीन ग्रीन रहे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसे चला देंगे। हमारे ये सारे कटलेट मैंने पहले ही बना के ये कटलेट तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको, आप चाहे तो इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैंने इनको ऐसे बनाया है। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। और इन्हें ऐसे ही थोड़ी देर, जब तक ये थोड़े से ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इन्हें पलटेंगे नहीं। ये हमारे कटलेट बनके तैयार हैं। ये काफी क्रंची बने हैं और आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने भी इनको थोड़े से मैंने डीप फ्राई किए हैं और थोड़े से मैंने इसको सेलो फ्राई किए हैं। अब हमारे कटलेट बनके तैयार हैं। आइए आनंद उठाइए कटलेट का। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।